और आज की जो हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है आप देख रहे हैं, इसमें भाई ये जम्मू बीजेपी पीसी लाइव फ्रेम है, हमारे सीनियर लीडर देवेंद्र राणा जी रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके साथ हमारे राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन आरपी सिंह साहब हेलो यहाँ पे हैं, और आज देवेंद्र राणा जी आपके साथ स्पेशली अभी दिल्ली से आए हैं, अभी 10 मिनट हुआ उनको दिल्ली से आए और स्पेशली आए हैं आज प्रेस से बात करने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमें पूरा एक बात करने का प्रॉपरली मौका देंगे, हम जो अपनी बात रखना चाह रहे हैं उस पर आप करेंगे, उसके बाद में जो आपके सवाल जवाब होंगे उस पर बात करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप जरा थोड़ा सा जरा इसमें अगर साइलेंस मेंटेन करेंगे तो हम अच्छे से बात कर पाएंगे आपके साथ। तो वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है, और देवेंद्र जी को मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माइक को लें। सबका बहुत बहुत आभार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो रेगुलर प्रोसीजर है दोपहर का या सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आज थोड़ा डिले हुआ क्योंकि राणा साहब की फ्लाइट डिले हो गई दिल्ली से, कल रात को फ्लाइट कैंसिल हुई तो उसके लिए माफ़ी। और हमारी 4 बजे वाली ब्रीफिंग एज इट इज रहेगी, 4 बजे भी हम लोग ब्रीफिंग करेंगे, उसकी भी जानकारी आपको तुरंत पीसी के बाद मिल जाएगी। मैं निवेदन कर रहा हूँ, अरुण जी ने कहा जैसे निवेदन कर रहा हूँ राणा साहब से, वे अपना पक्ष रखें। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं कि आने में थोड़ा विलंब हुआ, और उसके लिए आप सबसे क्षमा याचक हूं। अगर आप पिछले 2-3 महीने से या उससे पहले भी कश्मीर के हालात और सियासी हालात पर नजर डालें तो आपको एहसास होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी सोची समझी तरीके से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि जितनी भी सियासी जमातें कश्मीर में आज काम कर रही हैं वो भाजपा की साथ जुड़ी हुई हैं और उनका भाजपा के साथ कोई लेना देना नहीं। उमर अब्दुल्ला साहब कल उन्होंने कहा कि राम माधव साहब को लाया गया है कि पीडीपी, और 2014 में राम माधव साहब ने पीडीपी के साथ अलायंस करवाई थी। हकीकत यह है कि 2014 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 MLA पर सिमट के रह गई थी, उमर अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में हम लोग दिलदार हैं और आपकी सरकार में शामिल होंगे, और इस उपलक्ष में अलग अलग नेताओं से भेंटवार्ता भी हुई और उनसे गुजारिश की कि आप हमारे 15 MLA के साथ भाजपा की सरकार बनाइए और हम अनकंडीशनली आपको सपोर्ट करते हैं। और आज ये कह रहे हैं कि साहब 2014 जो था वो राम माधव जी ने पीडीपी के साथ बनाया और ये पीडीपी के साथ जुड़े हुए हैं। घटनाक्रम ये है कि भाजपा ने हमारी गुजारिशात को नकारा। मैं बड़ी जिम्मेवारी और वसूख से कह रहा हूं कि हमारी गुजारिशात को नकारा गया और उस वजह से हम वापस आए और हमें मालूम हो गया कि हमारे साथ ये सरकार बनाने को तैयार नहीं है, जबकि हम सरकार बनाने को बहुत ज्यादा इच्छुक थे। उन्होंने यहां तक भी कबूल किया था उस वक्त कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा और हम लोग कैबिनेट का हिस्सा होंगे।
और जिस चर्चा में जिस आदमी की चर्चा भी चल रही थी उस वक्त वो भी मैं जानता हूं भाजपा की तरफ, लेकिन बाद में हमने हर चीज मानी उस वक्त और उन्होंने माना नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद मुसलसल कोशिशें हुई, जिस वक्त माननीय मुफ्ती सईद साहब गुजर गए और एक वक्त आया जिसमें एक पूरा लाल सा हो गया था, उस वक्त कटरा में माननीय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने प्रेस से मुखातिब होकर कहा, वी आर ओपन टू एन अलायंस विद द बीजेपी, हम बीजेपी के साथ अलायंस करने के लिए तैयार हैं, हमें मौका हो तो हम अलायंस करेंगे। और कटरा से जब तक हम जम्मू लौटे तो भाजपा ने कह दिया कि हमें कोई अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं करनी है, और अगले दिन हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के ये कहना पड़ा कि हम तैयार हैं अगर भाजपा चाहती है। उस वक्त भी कोशिश 5 अगस्त 2019 जब 370 मिटाया गया, उसके बाद अक्टूबर 2021 तक जब तक कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था, मैं बड़ी जिम्मेवारी से और वसूख से ये कह रहा हूं कि मसलसल बार बार कोशिशें की गई, बार बार दरवाजे खड़काए गए, बार बार लोगों के पास जाया गया जो कि भाजपा और आरएसएस के लोग थे कि किसी न किसी तरीके से भाजपा के साथ कोई टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और मैं आपको ये बता दूं, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ गठजोड़ करने के लिए तैयार नहीं है, नहीं तो वो तो 2 महीने पहले भी तैयार हो जाते भाजपा के नेतृत्व में काम करने के लिए। भाजपा ने बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुजारिशात को नकारा, तो अब ये भ्रम बनाना, कश्मीर के लोगों को गुमराह करना कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो भाजपा का हिस्सा है और हम भाजपा का हिस्सा नहीं है। आप तो खुद मंत्री रहे, आप तो वाजपेयी साहब की सरकार में मंत्री रहे, आपका पालन पोषण जो है सियासी वो उन्होंने किया, तो इसलिए मैं ये समझता हूं ये भ्रम बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुट्ठी से रेत निकल चुकी है और बारामूला की हार के बाद मुझे लगता है कहीं कोई बौखलाहट है, कहीं कोई परेशानी है, जिसकी वजह से वो अब ये कह रहे हैं कि सभी जो है वो बीजेपी का हिस्सा है, सिर्फ हम नहीं है, जबकि वो जो है उनकी बीजेपी मान नहीं रही, ये तो वो तो किसी भी वक्त चले जाएं। और आप फारूक अब्दुल्ला साहब को मुझसे ज्यादा जानते हैं, बड़ा लिहाजी स्वभाव है उनका, वो सुबह और दोपहर तक भी बदल जाते हैं, उनको अगर मौका इस वक्त भी कोई दे देगा तो वो कांग्रेस को भी छोड़ के भाजपा के पीछे पीछे दौड़ना शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमें उस बात में जाना नहीं चाहिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए कि आज बदलते जम्मू कश्मीर को देखते हुए जम्मू कश्मीर के आगे के लिए रोड मैप दे, बजाय हर आदमी को डेमोनाइज करने के, हर पार्टी को डेमोनाइज करने के। जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया उसमें बहुत हमें एतराज है, उन्होंने कहा कि गुज्जर पहाड़ी दलित और ओबीसीज और ये जो ओबीसीज और दलित पहाड़ी गुज्जर इनकी रिजर्वेशन जो है उसको खत्म करेंगे। जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती रहेगी, मैं आपको बता रहा हूं इन लोगों को गुमराह करने की कोशिश है, कश्मीर के लोगों को हमारे होते हुए जब तक भाजपा यहां है, बाबा साहब अंबेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन बीजेपी ने दी है जम्मू कश्मीर के आवाम को 5 अगस्त के बाद,
खा वो पहाड़ी हैं, खा दलित हैं, खा गुज्जर हैं, खा ओबीसी हैं, उनको कोई नहीं छेड़ सकता ना हिला सकता है, उसकी गारंटी। और वो कहते हैं कि हम शंकराचार्य को तख्त सुलेमान का नाम देंगे। क्यों ऐसी बात है? हमारी आस्था से खिलवाड़ मत करिए। अगर आप हमारी आस्था से खिलवाड़ करेंगे तो हमें आता है जवाब देना। एक बोर्ड नहीं आप हिला सकते शंकराचार्य का, नाम बदलना तो बहुत बड़ी बात है। आप कहते हैं हम सरकार में आएंगे, हम सारे के सारे पत्थरबाजों को छोड़ देंगे। 2009 वो भूल गए हैं, 2010 वो भूल गए हैं जब लाशें वहां गिरती थी। आज 5 अगस्त 2019 के बाद अमन है, शांति है और वहां हिजबे मामूल जिंदगी चल रही है। आज आतंकवाद की जगह सैलानी है, आज इकोनॉमिक रिसर्जेंस है। ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि उनकी सियासत जो है वो कब्रिस्तानों पे सियासत चलती है। हरा खिलाफ भरा कश्मीर उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और वो ये चाहते हैं कि वो पत्थरबाज जो जिन्होंने यहाँ लाशें गिराई, जिन्होंने हम लोगों को मौत का एक मंजर दिखाया, उनको वापस लाया जाए ताकि जम्मू कश्मीर के हालात खराब हो। ये होगा नहीं, उनको तो वैसे मौका ही नहीं मिलेगा। आप 8 अक्टूबर तक का इंतजार कर लीजिए, वो कहीं दिखेंगे नहीं। लेकिन उनके जो ये मंसूबे हैं, ये जम्मू कश्मीर इनको नकारेगा और हमारे होते ये मंसूबे टूटे। शुक्रिया देवेंद्र जी। एक सवाल रहेगा कि अल्ताफ बुखारी का पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में जब भाजपा के साथ गठबंधन था प्री पोल अलायंस की, और उनका साफ तौर पर एक बयान आया कि भाजपा के साथ जुड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की, उस पर आपका क्या कहना? किन्होंने कहा? अल्ताफ बुखारी। अल्ताफ बुखारी से पूछिए, अगर भाजपा का नाम लिया सर तो वो अल्ताफ बुखारी से पूछिए। I will not get into that part of the detail, but whatever was the name, it was a CM from the BJP, and that was a condition put on the table. Mr. Umar Abdullah agreed to that condition and agreed to be a part of the government with a chief minister from the BJP. That's a question for the BJP. Rana sir, सत्ता नहीं छोड़ना चाहते यार। उस वक्त वो इंटरिम चीफ मिनिस्टर सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। अच्छा आप हो, वो सत्ता नहीं छोड़ना चाहते थे और वो चाहते थे कि किसी न किसी तरीके नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सत्ता में रहे। यार तू अगर कन्ने रखे तो मैं उनकी करा विलायत में थे, उनसे बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि बकायदा तौर पे जाओ और बात करो और करके किसी न किसी तरीके से सरकार में रहो, क्योंकि उनका ये मानना था उस वक्त कि सरकार में रहना बहुत जरूरी है। और उनका ये था कि सरकार में होना चाहिए और बीजेपी क्योंकि केंद्र में है। फारूक अब्दुल्ला साहब का हमेशा ये रहता है कि जो भी केंद्र में है उसके साथ चलो, और उनका ये था कि हम सत्ता से बाहर ना हो जाएं। हम 15 पे आए हैं, हम सत्ता में रहेंगे तो अपना वर्चस्व बढ़ाएंगे। नहीं, सिचुएशन विल नेवर अराइज बिकॉज़ देयर विल बी नो नीड फॉर ऑल दैट। यू वेट, व्हाई इन केस यू वेट टिल द 8th, देयर विल बी नो नीड फॉर द बीजेपी टू टाई अप विद एनीबॉडी। देयर इज नो इन केस दिस टाइम। राणा साहब, मेरा सवाल है, महबूबा मुफ्ती की बेटी ने कल बयान जारी किया कि एनसी और भाजपा के अंदर खाते जो है कई अप हो गया और ये जो है आने वाले समय में जो है सरकार मिलकर बनाएंगे बीजेपी और एनसी। सरदार साहब, भाजपा जो है बड़ी पारदर्शिता से काम करती है। हमारे यहाँ कोई अंदर खाते नहीं होता और बाहर खाते नहीं होता।
जो सामने है वो पीछे है, जो अंदर है वो बाहर है। हमारे लिए देश प्रथम है, दूसरा पार्टी और तीसरा अपना आप। सत्ता नहीं हमारा गोल, हमारा गोल है राष्ट्रवाद, हमारा गोल है जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बना के तरक्की की राह पे ला के, जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को एक विश्व गुरु बनाने की कगार पर खड़ा किया है। जम्मू कश्मीर जो कि एक चमकता सितारा है और ताज है भारत का, वो भी उसी जर्नी का हिस्सा बने। थैंक यू।